नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दशमूल क्वाथ यानी दशमूल काढ़ा बनाने की विधि क्या है, इस काढ़े की मात्रा कितनी है, इसकी सेवन की विधि क्या है, आप कौन कौन से बीमारियों में इसका सेवन कर सकते हैं, इसके फायदे क्या है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम, तो इस ऋतु में स्वभावतः शरीर में वात दोष जो है वो बढ़ा हुआ रहता है और इसके कारण शरीर में काफ़ी सारे वात विकार जो है वो उत्पन्न होते हैं। इस वात दोष का शमन करने के लिए दशमूल एक बहुत अच्छी औषधि है। तो चलिए देखते हैं कि दशमूल का काढ़ा कैसे बनाना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दशमूल इस शब्द में दो शब्द है, दश और मूल। दश यानी दस यानी टेन और मूल यानी जड़े, रूट्स। तो ये जो दशमूल है इसमें 10 वनस्पतियों की जड़ों का समावेश किया जाता है। इसमें 5 है बृहत पंचमूल और 5 है लघु पंचमूल। इसमें बिल्व, काश्मरी, शोनाक, अग्निमंथ, पाटला, शालिपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर, इन 10 औषधि वनस्पतियों की जड़ों का समावेश किया जाता है। और ये जितनी भी औषधियाँ हैं ये अपने आप में ही बहुत गुणकारी है और ये जब साथ में मिलाई जाती है तो ये और भी असरदार होती है। आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी में दशमूल का भरण, दशमूल चूर्ण, दशमूल अरिष्ट, दशमूल काढ़ा, दशमूल तेल या दशमूल घृत आपको आसानी से मिल जाता है। काढ़ा भी आपको तैयार मिलता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको घर पे ये काढ़ा कैसे बनाना है, इसे फ्रेश कैसे तैयार करना है ये दिखा रहे हैं। दशमूल क्वाथ को बनाने के लिए हमें चाहिए दशमूल भरड़। इसमें आपको चूर्ण नहीं लेना है, इसमें भरड़ लेना है। भरड़ यानी ये थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ है, एकदम से जो बारीक चूर्ण आता है वो नहीं है। तो जो और यहाँ पे जो गुड़ और मिश्री हमने रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है कि अगर आपको काढ़े की टेस्ट अच्छी नहीं लगती तो सिर्फ आप ये उसमें डाल सकते हैं। काढ़ा बनाते समय इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। तो देखिए, ग्रंथों में जो प्रमाण बताया है वो देखिए, वो है एक भाग अगर हम ये भरड़ लेते हैं तो उससे 16 गुना हमें पानी लेना है। अब देखिए, हम ये 10 ग्राम ये जो भरड़ है ये ले रहे हैं। 10 ग्राम यानी कितना, तो देखिए ये जो भरड़ है इसका एक चम्मच अगर हम ये भर के लेते हैं, छोटा चम्मच है ये, तो इसको भर के अगर हम ये लेते हैं तो ये लगभग 5 ग्राम होगा। तो ऐसे 2 चम्मच हमें ये भरड़ लेना है और 16 गुना पानी यानी अगर ये 10 ग्राम है तो 160 ml हमें पानी लेना है। इसमें अगर सुबह हम ये काढ़ा हमें बनाना है, अगर बॉईल करना है तो रात भर हम इसे थोड़े से पानी में भिगो के रखेंगे। तो मैंने ये ऐसा भरड़ मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा है। इसमें मैंने लगभग ये 40 ml पानी लिया है और 2 चम्मच इसमें ये भरड़ डाले हैं। अभी जैसे हमने बताया कि 160 ml हमें पानी चाहिए तो हमें इसमें और पानी डालना होगा और इसको साथ में उबालना है। लेकिन उबालने से पहले हम ये पहले चेक करेंगे कि ये पानी कहाँ तक है, क्योंकि आपको उबालने के बाद ये बचने के बाद तब गैस बंद करना है। तो देखिए, इसमें ये जो है काढ़ा तो लगभग ये इतना है, चम्मच से आप इसको नाप सकते हैं कि ये कहाँ तक आया है। हाँ, और इसके बाद जो बचा हुआ पानी है वो डालना है। अब 160 ml में से ये जो है ये 40 ml इसमें डाला है तो 120 ml में ये इसमें फिर से डाल रही हूँ। आपको जितना भी काढ़ा बनाना है बस ये एक बात ध्यान में रखनी है कि जितना भरड़ आप ले रहे हैं उससे 16 गुना आपको पानी लेना है और इसको तब तक बॉईल करना है जब तक इसका 1/8 या 1/4 काढ़ा बच ना जाए। इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे आपने इसको उबालना है। हमारा ये काढ़ा अच्छी तरह से उबल रहा है, तब तक हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए, दशमूल का जो काढ़ा है वो वात और कफ दोष से संबंधित जितने भी विकार है उनमें ये लाभदायक है। शरीर में जो वात का प्रकोप होता है तो उसके भी दो कारण है। एक बताया गया है धातु क्षयजन्य, यानी अगर शरीर में धातुओं का क्षय होता है तो उसकी वजह से वात का प्रकोप होता है। और दूसरी जो वजह है वो है वात की जो प्राकृत गति है, अगर उसमें अवरोध हुआ तो भी शरीर में वात का प्रकोप होता है। तो ये जो दूसरी वजह है इसमें दशमूल का जो क्वाथ है वो और ज़्यादा फायदेमंद रहता है।
अब देखते हैं कि दशमूल कौन कौन से बीमारियों में यानी कौन कौन से विकारों में हमें फ़ायदा दिलाता है। तो अगर शरीर में कहीं पे भी दर्द है, जैसे गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, तो उसमें उन सभी में दशमूल का क्वाथ उन वेदनाओं को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है यानी आमवात है, या फिर गाउट यानी वात रक्त जो विकार है, या फिर इन्फेक्टिव अर्थराइटिस यानी जोड़ों में कहीं इन्फेक्शन हुआ है, तो इन सभी के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है या फिर कंपवात यानी शरीर में हाथ या पाँव को कपकपी रहती है, ट्रेमर्स आते हैं, तो इसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को झटके आते हैं यानी जैसे इपिलेप्सी कहते हैं, तो इसमें भी इसको दिया जा सकता है। अगर किसी को बहुत दिन से खांसी है या सांस फूलती है तो वो भी ले सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उपयोग जो है वो है सूतिकावस्था में, यानी डिलीवरी के बाद उन महिलाओं में बहुत थकान रहती है, शरीर में खून की कमी रहती है, भूख ना लगना या बहुत कमज़ोरी लगना, या फिर अगर शरीर के कहीं पे भी बहुत ज़्यादा उनको दर्द है, तो इस सूतिकावस्था में बच्चे को जन्म देने के दिन से लेके पहले 10 दिनों तक जो ये दशमूल का पात है इसको देने से उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। महाराष्ट्र में इसे बाळंत काढ़ा नंबर 1 के नाम से दिया जाता है। इसका जो मेन घटक है वो दशमूल है। इसके साथ और भी औषधि द्रव्य है, लेकिन इसको सूतिकावस्था में पहले दिन से लेके 10वें दिन तक देने का प्रचलन है, और इससे उनमें बहुत फ़ायदा दिखाई देता है। अब देखिए हमारा ये जो काढ़ा है वो अच्छी तरह से उबल गया है, और सबसे पहले हमने जो लेवल चेक की थी कि इतना पानी हमें बचाना है, तो उतना ही लगभग हमारा बच गया है, यानी पहले जो हमने 40 ml पानी लिया था उतना ही ये काढ़ा अभी बचा हुआ है। तो अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। अब हम इसे छान लेंगे। देखिए हमारा ये जो दशमूल काढ़ा है ये तैयार है। अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता तो इसमें आप स्वाद के अनुसार थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं। ये देखिए ये काढ़ा तैयार है। इसको आप अनुपान के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वात शमन के लिए अगर दूसरी कोई औषधि आपकी है तो चिकित्सक की सलाह से दशमूल का सेवन भी उसके साथ किया जा सकता है, या फिर दशमूल काढ़ा बनाते समय जो विकार है उनके अनुसार भी उसमें कौन सी औषधि द्रव्य उसमें ऐड करने हैं वो भी अलग रह सकता है। ये जो काढ़ा है इसकी मात्रा जो है ये 15 से 20 ml है, और इसका जो लेने का समय है आप इसको हो सके तो सुबह खाली पेट ले, या खाना खाने से कम आधा से 1 घंटा पहले ले, तो आपको इसका अच्छा असर दिखेगा। हो सके तो इस काढ़े का जो सेवन है वो गुनगुना कीजिए और इसको फ्रेश बना के लीजिए। आप वैसे इसको 5-6 घंटे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पॉसिबल है तो इसको हमेशा फ्रेश बनाइए। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।